हेलो स्टूडेंट्स, आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और RMF। ओके, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि आप जब थ्री फेज सप्लाई देते हैं, थ्री फेज सप्लाई देने पर स्टेटर में एक RMF प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वो RMF सिंक्रोनस स्पीड NS से रोटेट करता है और उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। कितना? 1.5 टाइम्स ऑफ φm। तो हमें प्रूफ करना है हर एक इंस्टेंट पे कि उसका वैल्यू कांस्टेंट है कि नहीं। ठीक है, तो देखो पहले क्या लिखा है। जब थ्री फेज सप्लाई, क्या थ्री फेज सप्लाई कितनी है? 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि तीनों फेज की जो वोल्टेज होंगी, करंट होंगी, उनके बीच का फेज डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कितना होगा? 120 डिग्री। इंडक्शन मोटर की थ्री फेज वाइंडिंग, थ्री फेज वाइंडिंग देखो स्पेस में रखी जाती है ऐसे, तो इनके बीच कितने डिग्री पे है? ये भी कितने डिग्री पे है? 120 डिग्री पे डिस्प्लेस है स्पेस में। ठीक है, ये स्पेस में होता है और पावर सप्लाई टाइम में होता है, से कनेक्ट की जाती है, तो वाइंडिंग में RMF प्रोड्यूस होता है। RMF क्या करता है? देखो RMF कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड कितना? 1.5 टाइम्स ऑफ φm से कितने स्पीड से रन करता है? सिंक्रोनस स्पीड। व्हाट इज सिंक्रोनस स्पीड? NS बराबर 120 f/p से रोटेट करता है। ठीक है, तो थ्री फेज सप्लाई देंगे, उसमें एक RMF बनेगा जो क्या करेगा, सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करेगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना रहता है? 1.5 टाइम्स ऑफ φm। ये इंपॉर्टेंट है, हमें यही प्रूफ करना है इस टॉपिक में। देखो RMF एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रोटेट करता है, जो भी एक आप RMF बनता है वो एक इसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करता है। ठीक है, जिसकी स्पेसिफिक फेज सीक्वेंस पर डिपेंड करती है उसकी डायरेक्शन, यानी कि अगर आप उसकी डायरेक्शन चेंज करोगे तो आपको फेज सीक्वेंस चेंज करना होगा। फेज सीक्वेंस चेंज हो करने से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। क्लियर? देखो ये आपका एक थ्री फेज मोटर है, आपने इसको थ्री फेज सप्लाई दिया, तो इस थ्री फेज सप्लाई देने से यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जो थ्री फेज सप्लाई होती है वो 120 डिग्री पे डिस्प्लेस होती है। ये मैं बोल देता हूँ दिस इज फाई ए। ठीक है, ये फाई ए हो गया, ये हो गया फाई बी। कितने डिग्री पे डिस्प्लेस है? 120 डिग्री पे। और ये कितना हो गया? ये हो गया आपका फाई सी। सबके बीच कितना डिग्री एंगल है? 120 डिग्री। यहाँ भी 120 डिग्री, यहाँ भी 120 डिग्री। क्लियर? अब देखो जो आपका इन सब का मैग्नीट्यूड इक्वल रहता है, मैक्सिमम वैल्यू इनका सबका इक्वल होता है। ओके, देखो अब हम इसकी इक्वेशंस बनाते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन क्या आई? फाई ए बराबर फाई एम साइन ओमेगा टी। हमने इसको क्या मान लिया? इसको हमने रेफरेंस मान लिया, फेज ए को रेफरेंस मान लिया। फिर फाई ए के बाद फाई बी है, फाई फेज सीक्वेंस आ रहा है ना, फाई बी। फाई बी क्या होगा? फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, यानी कि ए के रेस्पेक्ट में कितना है? 120 डिग्री पीछे है ये। ऐसे ही फाई सी कितना हो जाएगा? फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस, देखो फाई सी ये है, आप इसको बोल सकते हो +120 डिग्री, या फिर पीछे से 120, और 120 कितना? 240। तो आप इसको माइनस ऑफ 240 डिग्री भी दिखा सकते हैं, किसके रिस्पेक्ट में? फाई ए के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? तो आप इसको बोल सकते हैं 120 डिग्री आगे है या 240 डिग्री पीछे है। ठीक है, देखो अब हम बात करते हैं इंस्टेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं, हम हर एक इंस्टेंट पे देखेंगे, हर एक इंस्टेंट पे इनकी वैल्यू क्या आएगी? इक्वल वैल्यू आएगी। तो देखो हम सबसे पहले लेके चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं हम फर्स्ट इंस्टेंट पे, एट ओमेगा टी बराबर 0। यहाँ पे ओमेगा टी बराबर 0 रखेंगे तो फाई ए बराबर हो जाएगा फाई एम साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो फाई ए की वैल्यू क्या हो गई? ओमेगा टी बराबर 0 पे 0। फाई बी कितना हो जाएगा? फाई बी होगा आपका, फाई बी कितना होगा? फाई बी बराबर होगा फाई
फाई एम साइन, देखो यहाँ पे ज़ीरो रखोगे तो -120 डिग्री, -120 डिग्री, तो -120 डिग्री को आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ फाई एम साइन 90 प्लस 30 करा तो कितना आ गया -5m cos 30। तो cos 30 की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2, तो ये कितना आ गया √3/2 ऑफ फाई एम, ये तो हो गया फाई बी। ऐसे ही फाई सी कितना हो जाएगा, फाई सी बराबर हो जाएगा फाई एम साइन ओमेगा टी को रखोगे आप 0, यानी -240 डिग्री। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 180 प्लस 60 कर लेंगे, 180 प्लस 60, साइन साइन ही रहेगा, वो आएगा -sin 60, तो -sin 60 की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा √3/2 ऑफ फाई एम। तो फर्स्ट इंस्टेंट पे ये वैल्यूज आ गई। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 पे क्या क्या बनेगा, देखिए कैसे बनेगा, फाई ए तो 0 हो गया, ठीक है, आपको क्या क्या मिल रहा था, फाई ए 0 आ रहा है, फाई बी कितना आ रहा है -√3/2 ऑफ फाई एम, और फाई सी की वैल्यू कितनी आ रही है √3/2 ऑफ फाई एम। तो इसको क्या करेंगे, हम ड्रॉ करते हैं, देखो क्या होगा कि फाई ए तो 0 हो गया, फाई बी इधर था, तो हम -5b कहाँ किधर होगा, -5b हो गया ये, तो ये हो गया -√3/2 ऑफ फाई एम। फाई सी पॉजिटिव है तो फाई सी जिधर था उसको वहीं पे उसकी पोजीशन वही रहेगी, कितनी √3/2 ऑफ फाई एम। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, आप यहाँ से इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना रहेगा, वो आ जाएगा फाई नेट, हम इसको बोलेंगे। तो ये एंगल कितना था, टोटल कितना डिवाइड हुआ था 60, तो 30 ये हो गया, 30 ये हो गया, ओके। अब हम क्या करते हैं, हमने इसको बोल दिया ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और यहाँ से एक ये हमने ले लिया सी, बिल्कुल मिडिल से होता है, ये मिडिल पे होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे हम इसमें ले लेते हैं इन ट्रेंगल ओ ए, सॉरी ओ बी सी, ओ बी सी में हम इसमें लेते हैं कॉस ऑफ कितना, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 बराबर कितना हो जाएगा ओ सी अपॉन ओ बी, तो ओ सी बराबर कितना हो गया ओ बी कॉस 30, तो ओ बी कितना है √3/2, ये कितना है √3/2, तो कितना हो गया, ये हो गया 3/4। तो आपको चाहिए फाई नेट, तो फाई नेट किसके इक्वल है, फाई नेट इज़ 2 टाइम्स ऑफ ओ सी, ओ सी के डबल के बराबर इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं, जितना ये है उतना ही ये है, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 3/4, दैट इज़ 3/2, ठीक है 3/2, ये कितना हो गया फाई एम, तो फाई नेट इज इक्वल टू कितना हो गया 1.5 टाइम्स ऑफ फाई एम, ये आ गया आपका नेट फ्लक्स, ठीक है, जब ओमेगा टी 0 था। अब हम नेक्स्ट इंस्टेंट लेके चलते हैं, नेक्स्ट इंस्टेंट हम ले लेते हैं, नेक्स्ट इंस्टेंट पे हम क्या करेंगे, ओके नेक्स्ट इंस्टेंट हम लेके चलते हैं एट ओमेगा टी इज इक्वल टू 60 डिग्री सेकेंड इंस्टेंट पे, ठीक है, सेकेंड इंस्टेंट पे ओमेगा टी इज इक्वल टू 60 जब लेंगे तो हमारा फाई ए कितना आ जाएगा, फाई ए इज इक्वल टू होगा
फाई ए इज इक्वल टू आपका आएगा फाई एम साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू रख देंगे तो कितना आएगा, रूट 3/2 ऑफ फाई एम। ऐसे ही फाई बी निकालेंगे, फाई बी निकालेंगे तो फाई एम साइन, वहाँ 60 रखेंगे, 60 रखने पे ये कितना आएगा, माइनस ऑफ 60 डिग्री। तो कितना आएगा ये, माइनस रूट 3/2 ऑफ फाई एम। फाई बी आ गया, ठीक है। अब हम फाई सी निकालेंगे तो फाई सी कितना आएगा, फाई एम साइन 60 रखेंगे, ठीक है, 60 था और उधर कितना, -240, तो आ जाएगा -180 डिग्री। तो ये हो जाएगा ज़ीरो, तो फाई सी तो ज़ीरो आ रहा है, फाई ए कितना आ रहा है, दिस इज़ फाई ए, कितना, फाई ए बराबर अंडर रूट 3/2 फाई एम। और फाई बी कितना है, नेगेटिव, तो फाई बी इधर था तो नेगेटिव किधर आएगा, नेगेटिव इस साइड लेंगे, एंगल कितना, ये एंगल, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, दिस रिजल्टेंट इज फाई नेट। अभी ये कितना है, -√3/2 ऑफ फाई एम, तो यहाँ भी फाई नेट वही कैलकुलेशन सेम करके कितना आएगा, 1.5 टाइम्स ऑफ फाई एम, ठीक है। आप नंबर 3 एट ओमेगा टी बराबर 120 डिग्री लेंगे, 120 डिग्री लेने पर फाई ए इज इक्वल टू फाई एम साइन 120 डिग्री। 120 डिग्री के लिए कितना आ जाएगा फाई ए, ये आ जाएगा फाई ए बराबर फाई ए इज इक्वल टू -√3/2 ऑफ फाई एम। फाई ए हो गया, फाई बी कितना होगा, फाई बी इज इक्वल टू 120 रखेंगे तो 120 कितना हो जाएगा, फाई एम -120 से साइन ज़ीरो, ये तो हो गया ज़ीरो। और फाई सी इज इक्वल टू हो जाएगा फाई एम साइन माइनस ऑफ 120 डिग्री, ठीक है, 120 -240 करेंगे तो ये -120, तो माइ नेगेटिव में ये कितना जाएगा, फाई सी इज इक्वल टू कितना, फाई सी इज इक्वल टू √3/2 ऑफ फाई एम। तो फाई सी ये है और फाई ए ये है, ओके, तो फाई ए इधर होगा, फाई ए कितना, माइनस ऑफ √2 ऑफ फाई एम। और फाई सी की पोजीशन वही सेम जो पहले थी, कितना रूट, क्यों वो पॉजिटिव है तो इसलिए ये इतना ही रहेगा। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर, यहाँ से एक परपेंडिकुलर, ये क्या आ गया, ये आ गया रिजल्टेंट फाई नेट। तो फिर सेम वही है, जब 30 डिग्री है तो फाई नेट इस केस में भी कितना हो गया, 1.5 टाइम्स ऑफ फाई एम। तो किसी भी इंस्टेंट पे लेंगे हम, हर एक इंस्टेंट पे आपका क्या रहा है, फाई एम, फाई नेट इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ फाई एम, विच इज़ कॉन्स्टेंट, हर एक इंस्टेंट पे ये कांस्टेंट रहेगा, क्लियर है, ठीक है। तो दिस इज योर आरएमएफ, तो आरएमएफ इज ऑलवेज कांस्टेंट, आरएमएफ इज ऑलवेज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होता है, ठीक है, कितना मैग्नीट्यूड रहता है, 1.5 टाइम्स ऑफ फाई एम। ये आया है पेपर में, कई बार आया, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, हर जगह ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर लिया यहाँ पे, ओके, ठीक है, थैंक यू।